अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग ज़रा अलग है। आज का व्लॉग मैं ज़ैनब के नाम करती हूँ, उसी को डेडिकेट करती हूँ। ज़ैनब जो अब हम में नहीं है, जो बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत ही प्यारी, जिसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, जिसे हम रोज़ाना देखते थे और खुश होते थे उसे देखकर। असल में मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। बस मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ैनब के लिए जो है आज का व्लॉग डेडिकेट करूँ, इसलिए मैंने ये ज़ैनब की चंद तस्वीर लेकर वीडियो बनाई है। कल से मैं ज़ैनब को बहुत याद कर रही थी, क्योंकि रोज़ाना डेली वीलॉग देखना होता था, तो एक घर का फ़र्द जिस तरह होता है, इसी तरह सब जितने भी घर वाले थे ज़ैनब के, अम्मी अब्बू ज़ैनब के और बहनें, वो बस बिल्कुल जैसे हमारे घर वालों की तरह ही थे। तो बस कल से मैं बहुत याद कर रही थी। जैसे ही मुझे याद आई ज़ैनब की, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ज़ैनब के लिए एक वीलॉग बनाऊँ। अल्लाह पाक ज़ैनब के घर वालों को भी सब्र अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जब हम लोग ज़ैनब को इतना याद करते हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं ज़ैनब को याद करते हैं, तो कोई भी ऐसा दिल नहीं जाता कि ज़ैनब को याद ना करते हों, ज़ैनब का ज़िक्र ना होता हो। तकरीबन रोज़ ही हम लोग, मैं और मेरी बहन, ज़ैनब को याद कर रहे होते हैं, उसका जिक्र कर रहे होते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ज़ैनब के घर वालों को कितना मुश्किल हो रही होगी, वो लोग कितनी तकलीफ़ में होंगे, कितना याद करते होंगे वो लोग। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र दें, हिम्मत दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें। आमीन।